हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राजस्थान सरकार ने फरवरी 2022 में अपना बजट पेश करते हुए यहां घोषणा की थी कि एनपीएस को हटाकर ओपीएस को रिस्टोर किया जाएगा और जितने भी कर्मचारी एनपीएस से अब तक कवर हैं सबको ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस की कटौती भी बंद कर दी और साथ में पीएफआरडी को एक पत्र लिखा कि जो भी एनपीएस में उनका अंशदान है और कर्मचारियों का अंशदान है ये सारा पैसा राज्य सरकार को वापस किया जाए जिससे वह कर्मचारियों के अंशदान को जीपीएफ में जमा कर सके। और पीएफआरडीए ने इस पत्र के रिप्लाई में मई में लिखा कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 और पीएफआरडीए रेगुलेशन एक्ट 2015 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार के अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान को राज्य सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट में जमा किया जाए। रेवेन्यू रिसिप्ट में जमा किया जाए अर्थात सरकार के राजस्व में वो पैसा जमा किया जाए। तो अब क्या होगा, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका एनपीएस में कटौती भी बंद हो चुका है, अर्थात एनपीएस के कटौती पे जो उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है और साथ में उनका पूरा अंशदान तो एक तरह से बंद ही है। अंशदान का तो कोई मसला नहीं है कि सरकार उसे आगे पीछे अपनी तरफ से जमा कर ही देगी, जीपीएफ कटौती शुरू कर ही देगी क्योंकि उसने जीपीएफ अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन जो अंशदान पहले जमा हो चुका है एनपीएस कर्मचारियों का उसका क्या होगा, तो चलिए इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझते हैं कि पीएफआरडीए किस तरह से वर्क करती है और इस पत्र के जवाब में अब गवर्नमेंट क्या कदम उठा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एनपीएस में हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरह से जमा होता है। हम जब भी कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं गवर्नमेंट उसमें हमारा अपना कंट्रीब्यूशन भी करती है तो वो पैसा जाता है नोडल ऑफिस, नोडल ऑफिस से ट्रस्टी बैंक और ट्रस्टी बैंक से पेंशन फंड मैनेजर्स के पास। पेंशन फंड मैनेजर उसके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। पीएफआरडीए का इसमें क्या रोल है? पीएफआरडीए के अधीन ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। सीआरए की संरचना भी उसने ही की है। ट्रस्टी बैंक होना चाहिए, कौन ट्रस्टी बैंक होगा, पेंशन फंड मैनेजर कैसे होने चाहिए, कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहिए किसी कर्मचारी का, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ये सारा चीज़ तय करता है पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात पीएफआरडीए। पीएफआरडीए की जब शुरुआत हुई थी तो वित्त मंत्रालय ने उसे एक बॉडी के रूप में उसका गठन किया था 2003 में, लेकिन 2013 में संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया और पीएफआरडीए को एक संस्था के रूप में यहाँ स्थापित किया गया, तो साथ में उसे कई शक्तियाँ भी दी गई। पीएफआरडीए काम करता है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधीन। तो इस संबंध में जो भी कानून लाते हैं वो सारा यही मंत्रालय या केंद्र सरकार लाती है। पीएफआरडीए तो बस उसका वर्क इतना ही है कि जितने भी कानून आते हैं उसका रेगुलेशन करना, उसको पालन करवाना और साथ में कई तरह के काम उसको दिए गए हैं। लेकिन जब पीएफआरडीए एक्ट आप देखेंगे तो उसमें सही है यह प्रावधान कहीं पर भी नहीं किया गया है कि राज्य सरकार को पैसा कैसे वापस किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें हो रही थी वहां था कि कर्मचारियों का अंशदान कर्मचारी को कैसे मिल सकता है, किस स्थिति में कर्मचारी को पैसा मिलेगा, किस स्थिति में उसे एन्यूटी परचेज करनी पड़ेगी, उसके नॉमिनी को किस कंडीशन में पैसा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रावधान किए गए हैं और ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग रेगुलेशन ये सारा काम पीएफआरडीए अच्छी तरह से करता है। अब अगर राज्य सरकार को अपना पैसा वापस चाहिए जो भी उसका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है तो वो कैसे मिल सकता है, उसके लिए जब भी केंद्र सरकार की कोई बॉडी जैसे कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग जब कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उसके अधीन ये पैसा उन्हें वापस मिल सकता है। क्योंकि यहाँ देखा गया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हो चुके था उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी लेकिन मूल नियुक्ति उन्हें 2004 के बाद मिली, तो वो सब कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि भाई इनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी तो इन्हें
उसी समय का नियुक्त माना जाए और इनको ओपीएस के तहत ही कवर किया जाए। तो यहाँ पर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञाप जारी किया और वहाँ पर ये विकल्प दिया कि एनपीएस से कर्मचारी ओपीएस में आ सकता है, जो भी पूरी पिछली बातें की गई उनके संबंध में। तो इसी तरह संभव है कि राज्य सरकार अगर मंत्रालय के से संपर्क करे तो वहाँ पर इसका कोई रास्ता निकल सकता है। पीएफआरडीए ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, वो तो सर्कुलर जारी करती है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी कानून है, तो उसे किस तरह से लागू करवाया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकार को अपना पैसा वापस चाहिए, अपना अंशदान गौर कर्मचारी का अंशदान, तो उसे मंत्रालय से कॉन्टेक्ट करना होगा जहाँ से गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये पैसा वापस आ सकता है। तो जब एनपीएस लागू किया गया था तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह स्वैच्छिक दिया था कि आप चाहें तो अपने यहाँ एनपीएस लागू करें अथवा आप ओपीएस लागू रख सकती हैं, बाध्य नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल ने आज तक अपने यहाँ ओपीएस ही लागू रखा है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर बताया गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है पीएफआरडीए के अगेंस्ट में, और वहाँ पर कुछ कानून का भी जिक्र किया गया है जिसके तहत कहा गया है कि पीएफआरडीए को पावर नहीं कि उसका पैसा रोके। फिलहाल उनके महाधिवक्ता, इतना जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैंने जो बैंक में कुछ आदेश देखे और नोटिफिकेशन देखे तो उसके अनुसार मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये सारा काम पेंशन मंत्रालय ही कर पाएगा। और जब तक एनपीएस का फंड वापस नहीं मिल जाता है तब तक राज्य सरकार अपने स्तर से पुराने पेंशन को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जीपीएफ की कटौती जमा कर सकती है और जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उन्हें ओपीएस दे सकती है। एनपीएस के कॉर्पस का अमाउंट जो है कई हजार करोड़ का है, तो राज्य सरकार इसके लिए अपने स्तर पर लगातार प्रयास जरूर करेगी। तो बस मैं आज इतना ही कहूँगा कि ये जो मामला है बड़े स्तर का मामला है, राज्य सरकार के स्तर का मामला है, कर्मचारी इससे बिल्कुल ना घबराएं। हो सकता है कुछ देर हो लेकिन सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, तो अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।